हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं बीएससी के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें हमारी बुक चल रही है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें हम बात कर रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, जो कि स्टीरियो केमिस्ट्री का ही, यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही एक पार्ट है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कल हमने डिस्कस किया था ईजेड रूल, सिन एंटीफॉर्म, और हमारा क्या था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड साइक्लोएल्केन, इनके बारे में हमने इसमें कल डिस्कस किया था। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को टॉपिक दिख रहा है, क्या है सीक्वेंस रूल, या जिसको आप क्या बोल सकते हो, प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल। अब ये रूल किसने दिया था, देखो मैं आपको बताती हूं, ये रूल काहन, इनगोल्ड और प्रीलोग, इन्होंने दिया था किसके लिए, कि कुछ एटम्स के लिए, कुछ एटम्स के लिए, जैसे हमारा क्या है, हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड के आसपास क्या जुड़े हुए हैं, कंपाउंड में कोई भी ग्रुप है, मान लीजिए कार्बन एटम है, इसके आसपास क्या जुड़े हुए हैं, कुछ ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इन ग्रुप्स में प्रायोरिटी ऑर्डर दिखाने के लिए, यानी कि सबसे पहले ग्रुप कौन सा अच्छा माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा किस लिए अच्छा माना जाएगा, वो हम क्या करेंगे, आपको रूल्स में बताएंगे। देखो ये किस लिए दिया गया था, इस टाइप के कुछ कंपाउंड्स के लिए दिया गया है, जिसमें हमारे क्या दिए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स दिए जाते हैं, और उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हम क्या करते हैं, उन ग्रुप्स को प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पॉइंट वाइज सारी चीजें पढ़ेंगे कि प्रायोरिटी ऑर्डर में किस तरह से अरेंज करते हैं, एटॉमिक नंबर कैसे काउंट करते हैं। वैसे तो इसमें कल आपको जब ईजेड रूल कराया था, इसमें आपको ये चीज बताई थी कि प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे रखा जाता है। देखो इसमें रूल नंबर वन, रूल नंबर वन क्या कहता है, रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर, किसी एटम के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम उसकी प्रायोरिटी अरेंज करते हैं, यानी कि किसी एटम के एटॉमिक नंबर जितना बड़ा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। कितनी प्रायोरिटी पर, फर्स्ट प्रायोरिटी पर, या फिर आप क्या बोल सकते हो, उसको नंबर वन पर रखा जाएगा, या फिर उसको नंबर वन से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता चला जाएगा, वैसे वैसे हम उनके नाम रखते चले जाएंगे। कैसे रखेंगे आप पता चलेगा। देखो फर्स्ट पॉइंट, पहले क्या करेंगे, रूल लिख लेते हैं, द एटम हैविंग लार्ज एटॉमिक नंबर, द एटम हैविंग लार्ज एटॉमिक नंबर, द एटम हैविंग लार्ज एटॉमिक नंबर शुड बी टेकन एज सुपीरियर ग्रुप। Should be taken as, should be taken as superior group. Superior मतलब सबसे बड़ा group. Should be taken as superior group. Taken as superior group. And it has been represented by one. And it has been represented, and it has been represented by one. किससे represent करेंगे इसको, one से represent करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे atomic number होंगे उसी के basis पर हम क्या करेंगे, उनको नाम number देते चले जाएंगे। similarly the second, आगे लिखेंगे इसमें similarly the second, third, fourth, जहां तक भी दिए हुए हैं, similarly the second, third, fourth groups are selected on the basis of
ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर किस तरीके से अरेंज करेंगे? एग्जाम्पल देखो, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं हेलोजन के साथ। यहाँ पर क्या है, कार्बन दिया हुआ है और ये हमारा क्या है, मान लीजिए इधर F है, इधर Cl, इधर हमारा क्या जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और सबसे नीचे क्या जुड़ा हुआ है, आयोडीन। इधर क्या आ जाएगा, Br और इधर आ जाएगा I। अब हम क्या करेंगे, इसके एटॉमिक नंबर्स देखेंगे। एटॉमिक नंबर जिसका सबसे ज्यादा होगा वो सबसे नंबर पर, फिर डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हम क्या करेंगे, उन ग्रुप्स को अरेंज करेंगे। जैसे आयोडीन का कितना होता है, 53 होता है। एफ का कितना होता है, 9 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, 17। ब्रोमीन का कितना होता है, 35। अब आप देखो सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर किसका है, सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर है 53 का, तो ये क्या रखा जाएगा, नंबर वन पर। फिर उसके बाद आएगा ब्रोमीन, ये नंबर टू पर। फिर उसके बाद आएगा क्लोरीन, ये नंबर थ्री पर। फिर उसके बाद आएगा फ्लोरीन, ये नंबर फोर पर। क्लियर है? इस तरीके से अरेंज करने हैं हमारे ग्रुप्स हमें। अब इसे पहले क्या कीजिए, आप इस वाले रूल को नोट कीजिए और ये एग्जाम्पल भी, एक और एग्जाम्पल और बताते हैं फिर आपको। देखो दूसरा एग्जाम्पल कौन सा होएगा इसमें, ये कार्बन है और इसके चारों तरफ हमें ग्रुप्स जोड़ने हैं। कौन से ग्रुप जोड़ोगे, मान लो इसमें मैंने क्लोरीन जोड़ लिया, इस पर मैंने क्या जोड़ा, ये जोड़ लिया NH2, ये N है, ये N है, इधर क्या है, OH है और इधर क्या जोड़ोगे, इधर CH3 जोड़ लो। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे नंबर वन पर। नंबर वन पर कैसे, देखो बेटा यहां पर हमारा इसके कार्बन के साथ बॉन्डिंग कौन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है। इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग कौन कर रहा है, क्लोरीन। इसके साथ बॉन्डिंग कौन कर रहा है, कार्बन कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, पहले मतलब जो सबसे पहले आ रहा है बॉन्डिंग के लिए उसका एटॉमिक नंबर काउंट करेंगे, फिर लिखेंगे सीक्वेंस। जैसे क्लोरीन का कितना होता है, 17। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। और यहाँ पर कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। अब यहाँ से आप अरेंज कर सकते हो, क्लोरीन का क्या है, 17 सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद किसका है, ऑक्सीजन का, नंबर 2 पर आएगा। फिर उसके बाद किसका है, नाइट्रोजन का, नंबर 3 पर। फिर उसके बाद आएगा कार्बन, नंबर 4 पर। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन्हें अरेंज कर सकते हो। क्लियर है इतना? यहाँ पर ये क्या हो गया, रूल नंबर 1 हो गया। नोट कीजिए, रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फिर रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर एटम के एटमिक नंबर, मान लीजिए कार्बन से जुड़ा हुआ कोई एटम है, उसके मतलब दो ग्रुप जुड़े हुए हैं जिसके पहला एटम क्या है, एक जैसा है, या एटमिक नंबर क्या है उनके, सेम है, तब क्या करोगे आप, तब किस तरीके से पता करोगे कि कौन सा नंबर 1 पे आएगा, कौन सा 2 पे, या कौन सा 3 पे आएगा, कौन सा 4 पे, कैसे पता करोगे? उसके लिए भी रूल दिया गया है, हर चीज का तोड़ है इसमें। इफ द एटमिक नंबर, If the atomic number of first atom, कैसे first atom बताएंगे आपको, of first atom is similar, तब क्या हो, then second, third, या फिर जितने भी यहां पर atom दिए हुए हैं, जहां तक भी similar है उसके बाद वाला देख लेंगे, then second, third, या आगे तक जितना भी fourth, fifth, जितने भी एटम हो, एटम्स जो डिफरेंट हो, are used as priority of the group, as priority of the group। क्लियर है इतना? कैसे आएगा ये, एग्जाम्पल कराते हैं आपको। देखो कार्बन तो रहना ही रहना है, ब्रोमीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया,
इधर क्या ले लिया, CH3 ले लिया, इधर क्या लूं, CH2OH ले लूं। अब हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर फाइंड करेंगे। क्लोरीन का कितना होता है 17, ब्रोमीन का कितना होता है 35, इस पे कार्बन है, इस पे कार्बन है, यहाँ पर भी 6 हो गया, यहाँ पर भी 6 हो गया, कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे? इसका एक सीधा सीधा रास्ता है, बॉन्ड्स को खोल लो। क्या बताया इसमें, देखो अगर फर्स्ट एटम का, देखो फर्स्ट एटम ये है, फर्स्ट एटम ये, इसका एटमिक नंबर अगर क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, देन सेकेंड थर्ड एटम, एटम्स आर यूज एज प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप, तब दूसरा या तीसरा एटम जो होगा वो ग्रुप की प्रायोरिटी की तरह यूज किया जाएगा। कैसे, जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्डिंग CH3 के लिए लिखते हैं, CH3 के लिए बॉन्डिंग कैसे होती है, देखो कार्बन है, एक एच यहाँ है, एक एच यहाँ है, एक एच यहाँ है, यानी कि इस कार्बन से कौन जुड़े हुए हैं, 3H जुड़े हुए हैं। अब हम किसके एटमिक नंबर काउंट करेंगे बेटा, हम इनके एटमिक नंबर काउंट करेंगे, किनके, इन वालों के एटमिक नंबर काउंट करेंगे। तो यानी कि हाइड्रोजन का कितना होता है 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो कितने हो गया यहाँ पर 3 एटमिक नंबर हो गया, कितना हो गया एटमिक नंबर 3 हो गया। अब दूसरा कौन सा है, CH2OH है, ये कैसे करेंगे, इसके भी बॉन्ड्स खोलेंगे, CH2OH कार्बन है, यहां पर एक हाइड्रोजन ऐसे दिया हुआ है, एक हाइड्रोजन ऐसे दिया हुआ है, हाइड्रोजन ही रख लेना इधर, हाइड्रोजन एक यहां पे O, एक यहां पर H, दिख रहा है नीचे, हाँ देखो। अब क्या करेंगे, अब हम ये लेंगे। अब आप बोलोगे कि हमने ये वाला क्यों नहीं लिया, बेटा हमने यहाँ पर कितने लिए हैं, 3 एटम लिए, तो यहाँ पर भी कितने लेंगे, 3 एटम, मतलब हम क्या करेंगे, एक एक करके चलेंगे, एक एक करके कैसे, लूप बना के चलेंगे, कैसे लूप बना के चलेंगे, जैसे हमने इसमें बनाया है, इसमें एक एटम ये फालतू हो रहा है ना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इतने तक ही काफ़ी हो रहा है। अगर यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाता ना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो जाता, फिर हम उसके आगे वाले देखते, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक चीज डिफरेंट आ रही है, तो यहाँ से एटॉमिक नंबर सेम नहीं रहेगा। नोट कीजिए इसको, बताएंगे फिर आपको, देखो नोट कर लिया होगा आपने, इसमें आगे देखो क्या आएगा, आगे इसमें कैसे दिया जाएगा ये, यहाँ पर अब क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर काउंट करेंगे, हाइड्रोजन का 1, 1, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 8, 8, 9, 10, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसके लिए, 10 हो गया, इसके लिए कितना हो गया एटॉमिक नंबर, 3 हो गया, और इसके लिए 10 हो गया। अब आप कर सकते हो, ऑर्डर रख सकते हो, नंबर 1 पर ब्रोमीन, नंबर 2 पर क्लोरीन, फिर नंबर 3 पर क्या आएगा, 10 वाला CH2OH, फिर उसके बाद आएगा सबसे कम वाला, क्लियर है? इसी तरीके से क्या कर सकते हो आप, इसी तरीके से अगर आपको एक एटम सेम दे दिया जाए तो आप पता कर सकते हो, क्लियर है? एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, करके देखिएगा, इसमें नहीं होता है तो फिर बताएंगे, किसी चीज़ को लेके हेजिटेट होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर रख लीजिए NH2, एक साइड रख लीजिए CCl3, यहाँ पर CH2Cl रख लो, यहाँ पर CH3 रख लो, कर सकते हो ऐसे ही। इसमें क्या कर दिए, इसमें सारे ग्रुप दे दिए, नाइट्रोजन का तो क्या है, नाइट्रोजन का क्या होगा 7 होगा, फिर इसमें क्या है, ये सेम दिए हुए हैं, इसके ऑर्डर पर क्या कर सकते हो, फिर आप इसके ऑर्डर पर आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, इस तरीके से बॉन्ड को खोल कर, क्लियर है? नोट कीजिए इस पॉइंट को, फिर थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखो थर्ड पॉइंट इसमें आगे, थर्ड पॉइंट किसके बारे में है, थर्ड पॉइंट है आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स अगर कहीं पे क्या दे दिए जाएं, आइसोटॉप्स दे दिए जाएं। अब आइसोटॉप्स कौन से होते हैं बेटा, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है उनको क्या बोला जाता है, आइसोटॉप्स, बट उनके क्या होता है, मासेस डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपको कहीं पे आइसोटॉप्स दिए जाएं तो वहां पर आप क्या करोगे, मास के बेसिस पर उसका सीक्वेंस फाइंड कर सकते हो। तो थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, इफ आइसोटॉप्स, यानी कि समस्थानिक, आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं, समस्थानिक को, इफ आइसोटॉप्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, देन आप क्या यूज करोगे, अभी बताया आपको, मास नंबर, देन देयर मास नंबर आर यूज या इज यूज टू डिफाइन देयर सीक्वेंस,
यूज्ड टू डिफाइन देयर सीक्वेंस, टू डिफाइन देयर सीक्वेंस, यूज टू डिफाइन देयर सीक्वेंस. जैसे जैसे हमारा क्या होता है, ड्यूटीरियम ट्राइटीरियम होता है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. बस आपको उनके क्या पता होने चाहिए, मास पता होने चाहिए. वैसे इस टाइप इस पॉइंट पर क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं, पर पॉइंट आपको सारे पता होना चाहिए. डी टी यहां पर क्या रख लो, सी एच टू, और यहां पर क्या रखोगे, एच रख लो. एच कार्बन का कितना होता है, छः. इसका कैसे पता करोगे, ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम का क्या होता है इसके बारे में भी बताते हैं आपको. कैसे पता चलेगा बेटा, देखो ट्राइटीरियम का मास जो होता है ड्यूटीरियम से ज़्यादा होता है, तो नंबर वन. और हाइड्रोजन का कितना होता है, वन होता है. अब इसका कम है इसका ज़्यादा है, लेकिन इसका कम इसका ज़्यादा है कैसे, लेकिन हाइड्रोजन का क्या है, सबसे कम है. देखो नंबर वन पर कौन आएगा, सी एच टू आएगा, सी एच थ्री है बेटा, वैलेंसी भी तो कंप्लीट करो इसकी. सी एच थ्री है, फिर आएगा ट्राइटीरियम, फिर आएगा ड्यूटीरियम, फिर आएगा हाइड्रोजन. क्लियर है इतना, क्लियर है. इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट नंबर फोर देखेंगे. पॉइंट नंबर फोर देखो, अगर कहीं पे क्या दे दिया जाए, मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दे दिया जाए तो कैसे फाइंड करेंगे. नोट करिए इसको, देखो पॉइंट नंबर फोर, अभी क्या बताया, मल्टीपल बॉन्ड दिए हुए तो कैसे फाइंड करते हैं, तब हम डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं उनका सिक्वेंस. कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं. इसमें लिखिए, इफ एन एटम और ग्रुप हैज मल्टीपल बॉन्ड, इफ एन एटम और ग्रुप हैज मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड से मतलब क्या है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, हैव मल्टीपल बॉन्ड, देन देन देयर डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट, देन देयर डुप्लीकेट कैसे होंगे बताएंगे आपको, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट आर यूज टू फाइंड आउट इट सीक्वेंस. आर यूज टू फाइंड आउट इट्स सीक्वेंस. कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा, अगर इसमें बॉन्ड दे दिया जाए किस तरीके से, अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए डबल बॉन्ड हो तो कैसे करोगे, या फिर आप कैसे होगा, या फिर आपको सी एन दे दिया जाए इसी तरीके से तो होता है ना, कैसे करोगे. अब देखो इसमें कैसे होता है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बस बॉन्ड को खोल देना है. कैसे खोलोगे, कैसे खोलोगे बताते हैं. जैसे ये है हमारा, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड है ना ऑक्सीजन, तो आपको क्या करना है, दो बॉन्ड से इस तरीके से ऑक्सीजन दिखा देनी है, यानी कि दो ऑक्सीजन करनी है, जितने बॉन्ड है उतने ही एटम कर देना. जैसे यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है, तीन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, तीन नाइट्रोजन रख दोगे, क्या कर दोगे, तीन नाइट्रोजन रख दोगे. क्लियर है इतना, इसी तरीके से करना है, इसी तरीके से सीक्वेंस पता करेंगे. एग्जाम्पल कराते हैं, एग्जाम्पल देखिए इसमें आप, एग्जाम्पल में क्या लेंगे, CHO ले लीजिए एक साइड, ये हो गया CHO, एक साइड क्या ले लो, COCl ले लो, एक साइड क्या लोगे, जो मर्जी वो ले लो, CONH2 ले लो, एक साइड क्या लोगे, चलो ये सिंपल ले लो CH3, इतने बॉन्ड्स काफी हैं आपको दिखाने के लिए एक बार के में. देखो मैं आपको, मैं क्या कर रही हूँ बेटा, ये रफ कर रही हूँ, आप ये नोट कर लीजिए, इतने को पहले इसको छोड़ दीजिए, इसको बाद में कर लेना, इसको पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका. देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, अब इसमें देखो पहले एटम क्या है, सारे सेम हो गए, कार्बन 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 कार्बन. पहले क्या करो, सी एच थ्री को खोलो, कैसे खोलोगे, सी एच एच एच, ये खुल गया सी एच थ्री, यानी कि क्या हो गया इसका एटम, एटमिक नंबर तीन हो गया इसके लिए, किसके लिए, सी एच थ्री के लिए. यहाँ पर इसको खोलो, सी एच ओ कैसे खुलता है, सी एच ओ बताओ कैसे खुलता है, सी एच ओ हमारा कुछ इस तरह से खुलता है, सी डबल बॉन्ड ओ एक साइड एच, इसको कैसे खोलोगे,
इसको कैसे खोलोगे बेटा? अभी आपको बताया था एग्जाम्पल में, इसको खोलने का एक सीधा सा तरीका है, जितने बॉन्ड है उतने एटम कर दो। जैसे एक ओ ये कर दिया, एक ओ ये कर दिया, एक एच ये कर दिया। अब इसके एटमिक नंबर काउंट करोगे, एटमिक नंबर काउंट करोगे कितना आएंगे, आठ, आठ और एक, तो कितना हो गया, सत्रह हो गए। कितने हो गए एटम इसमें, सत्रह हो गए। सी एच ओ के लिए कितने हो गए, 17 हो गए। अब क्या करो, सी ओ सी एल ले लो। सी ओ सी एल को कैसे खोलोगे, सी ओ सी एल, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसी तरीके से तो खुलता है। स्कोर खोल लो, जितने बॉन्ड उतने एटम कर दो, ओ ओ सी एल। कर सकते हो आप एटमिक नंबर फाइंड कर सकते हो, क्या निकलेगा, ऑक्सीजन का होता है आठ, इसका भी कितना होता है आठ, और इसका कितना होता है सत्रह, तो कितना हो गए 33 हो गए। 16 और 17 कितने हो गए, 33 हो गए। यहाँ पर कितने हो गए सी ओ सी एल के लिए, 33 एटमिक नंबर हो गए। बचा कौन हमारा, सी ओ एन एच टू बचा। सी ओ एन एच टू के लिए कैसे करोगे, सी ओ एन एच टू के लिए खोलो, सी ओ एन एच टू, बेटा ये कैपिटल ओ है, बड़ा ओ ऑक्सीजन वाला, कोबाल्ट मत समझ लेना इसको, ठीक है। देखो सी डबल बॉन्ड ओ, फिर एन, फिर एच, फिर टू, ऐसे ही तो खुलता है बेटा, ऐसे खुलता है। अब जितने बॉन्ड है उसको खोलते हो आगे, और यहाँ पर क्या है, कार्बन है, दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड से, मतलब एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो दो ऑक्सीजन आ गए। यहाँ पर फिर क्या है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को भी खोल दो, हाइड्रोजन हमारे खुल के कहाँ आ गए, इस तरीके से बन गए हाइड्रोजन खुल के। अब किसके लिए एटॉमिक नंबर देखोगे, इनके लिए देखोगे, कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का आठ, इसका भी आठ और इसका सात, कितना हो गया यहाँ से 23, कितना हो गया 23, क्लियर है। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो सीक्वेंस, इसके लिए कितना है 3, सी एच ओ के लिए कितना है 17, सी ओ सी एल के लिए कितना है 33, फिर हमारा सी ओ एन एच टू के लिए कितना है 23। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, नंबर वन पर सी ओ सी एल, नंबर टू पर सी ओ एन एच टू, नंबर थ्री पर सी एच ओ और नंबर फोर पर सी एच थ्री। क्लियर है, सीक्वेंस रूल समझ आ गया। क्या करोगे, एग्जाम्पल करोगे, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ इसमें करने के लिए, आप बस ये एक दो एग्जाम्पल करके देखिएगा, अगर आपने कर लिए तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आते हैं तो हम अगली क्लास में बता देंगे आपको, क्लियर है। और इसमें कोई भी डाउट हो, आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड एनी क्वेरी आप चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर कीजिएगा, इंस्टाग्राम आई डी है फिजिक्स अंडरस्कोर गुरु अंडरस्कोर इंडिया, इस आई डी पर आप मैसेज भेज सकते हो, आपके हर मैसेज के रिप्लाई किए जाते हैं। ऐसा हो सकता है थोड़ा देर से किए जाए, थोड़ा जल्दी किए जाए, पर आपका हर रिप्लाई किया जाता है, क्लियर है। और इंस्टाग्राम आई डी तो आपको दे दी है, और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया और वहाँ से आप अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। चलिए यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दो पार्ट बताए थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे इस रूल के साथ खत्म होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेंगे इसमें हम कल स्टार्ट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, थैंक यू सो मच।